महागठबंधन सरकार बने हुए वहाँ एक सप्ताह भी नहीं हुआ है और लगातार महागठबंधन के मंत्री विधायकों पर आरोप लग रहे हैं, चाहे मास्टर कार्तिकेय कुमार हो या आनंद मोहन का मामला हो या कई आपराधिक मामलों की बात करें तो अब इस पर बीजेपी पूरी तरह हमलावर भी हो गई है सरकार पर, और कार्तिकेय कुमार पर खुद महागठबंधन के सीपीआई जो हैं एमएल वो भी उसका विरोध करने लगे। सर ये बताइए, अब तो महागठबंधन के जो सीपीआई एमएल हैं वो भी कार्तिकेय कुमार जो कानून मंत्री उसका विरोध करने लगे हैं। देखिए सिर्फ हम ही नहीं विरोध कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि सीपीआई एमएल जो कि जदयू का और आरजेडी का सहयोगी दल है, उसके अलावा जदयू के खुद विधायक बीमा भारती जी ने लेसी सिंह जी पे आरोप लगाया कि ये तो आपराधिक छवि की हैं और इन्होंने कई हत्याएं कराई हैं और इनको नीतीश जी ने मंत्री, ये मैंने नहीं कहा, ये बीमा भारती जो जदयू की विधायिका हैं, 5 बार की विधायिका हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया। सीपीआई एमएल के बारे में आपने कहा तो, और इसके अलावा जो एडीआर की कल रिपोर्ट आई है आपने देखा होगा, उन्होंने सभी के जो एफिडेविट्स थे, सभी विधायक जो मंत्री बने या विधान पार्षद, उनके एफिडेविट्स की छानबीन की और उसमें ये पाया कि 72% जो मंत्री बने हैं नए उनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। उस राजद के 88% विधायक हैं जिनके जो नए मंत्री बने हैं उनके खिलाफ आपराधिक मामले पेंडिंग हैं। तो ऐसी सरकार जिसमें 72% जो मंत्री हैं उनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हों, उनसे हम बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। हमारा भय और हमारा डर है कि आने वाले दिनों में बिहार में अराजकता फैलाने की पूरी कोशिश होगी और ऐसे मंत्रियों से जो कानून का कल तक उल्लंघन करते रहे उनके बागडोर में कानून का आपने बागडोर सौंप दिया है। अब ऐसे कानून मंत्री बने हैं जिनके खिलाफ 4 मामलों में गंभीर आरोप, एक में तो अरेस्ट वारंट पटना हाईकोर्ट ने इशू किया हुआ है और उनको आपने कानून मंत्री बना दिया। तो हमको डर है कि आने वाले दिनों में बिहार की जनता में जो 2005 से पहले की स्थिति थी जब कानून के राज का भय खत्म हो गया था, उसकी पुनर्वापसी हो। लेकिन हर मामले में नीतीश जी यह कहते हैं कि मुझे जानकारी नहीं है, क्या वास्तविक? देखिए यही बहुत अफसोसजनक है और ये शर्मनाक है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री कहे कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी तो ये बहुत ही उनकी जो कार्यशैली है उसके खिलाफ प्रश्न चिन्ह पैदा करता है। आप गृह मंत्री भी हैं और गृह मंत्री को बिहार में जो भी कानून व्यवस्था के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी जानकारी होनी चाहिए। आपके कौन से मंत्री बन रहे हैं, उनके खिलाफ आपराधिक छवि है या नहीं, मामले लंबित हैं या नहीं, आपको तो मिनटों में आपको आपके जो बिहार पुलिस है उसकी रिपोर्ट आपको दे देगी। और ऐसा कहना कि हमें जानकारी नहीं थी, आपको मैं बता दूं कि जो केंद्र में जो मंत्री बनते हैं, मंत्री बनने से पहले उनकी आईबी रिपोर्ट पहले मंगाई जाती है और उसके बारे में देखा जाता है कि इनका इतिहास कैसा रहा है। उसी तरह मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ भी है ये एक पद्धति होगी, लेकिन ऐसे मंत्री बने हैं जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं। यानी आपका कहना है कि मुख्यमंत्री जी को सारी बात जानकारी और जानबूझकर नहीं, अगर वो कहते हैं कि मुझे जानकारी नहीं है तो किस बात के मुख्यमंत्री हैं? उनको बिहार में उनके राज में क्या चल रहा है उसकी जानकारी ना हो, ये अफसोसजनक है, ये शर्मनाक है। या असंभव भी हो सकता है? ऐसा मुझे नहीं लगता कि हो सकता है। वो तो उनकी आदत है कि कुछ भी होता है तो दूसरों पे वो ठिकरा फोड़ देते हैं, ये कह के उनको जानकारी नहीं थी। और किसी भी मुख्यमंत्री के लिए ये कहना कि उनको जानकारी नहीं थी, ये बहुत ही खतरनाक संदेश देते हैं। तो ये देवेश कुमार है, बिहार के प्रदेश महामंत्री है भाजपा के, और इन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि जो इस तरह के 88% सिर्फ राजद में आपराधिक किस्म के मंत्री बने हैं और मुख्यमंत्री को यह जानकारी न हो, यह असंभव है। योगी पंकज के साथ परमानंद सिंह, विपिन पटना।